तो गाइस, जो आज की वीडियो रहने वाली है, आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ ना चेस्ट। तो काफी टाइम बाद ये वीडियो ला रहा हूँ मैं। बीच में मैं डिसकंटिन्यू हो गया था, थोड़ा सा पैर में चोट था, फीवर हो गया था, तो उन सब चीजों की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया था। चलो पहले मैं माइक सेट कर लेता हूँ, देन बात करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी टाइम बाद ला रहा है, तो आज मैं जस्ट चेस्ट ट्रेन करने वाला हूँ अपना। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स लेता हूँ या अपना शोल्डर लेता हूँ, तो पुश वर्कआउट एक्चुअली मैं फॉलो करता हूँ। तो आज मैं वो नहीं करने वाला, जस्ट चेस्ट वर्कआउट लूँगा। 5 to 6 एक्सरसाइज रहेंगी और काफ़ी अच्छे से मैं ट्रेन करने वाला हूँ। कल संडे है तो रेस्ट भी रहेगा, तो ठीक ठाक वर्कआउट मैं आज करने वाला हूँ। तो कॉफ़ी ऑलरेडी मैं आज ले चुका हूँ, तो अभी मैं एक एप्पल खा के निकलता हूँ जिम में। उससे पहले जैकेट पहन लेता हूँ, ठंड काफ़ी हो रही है। चलो गाइस, मिलता हूँ। गाइस, सी यू एट द जिम। गाइज फाइनली एट द जिम। लुक एट द गाइज डूइंग वर्कआउट हेयर एंड सम गाइज हैज टेकन ऑफ देयर क्लॉथ्स। सो गाइज, यहाँ पे मैंने रनिंग कर ली है। यहाँ पे अगर कैलोरीज की बात की जाए तो मैंने 170 कैलोरीज बर्न की है और 2.5 किलोमीटर यहाँ पे बोल सकते हैं मैंने रनिंग किया है, और 15 मिनट मुझे हो चुके हैं और मेरी हालत भी अच्छी खासी हो गई है। देखिए, इतनी सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो चुका है और यहाँ पर ये भी रनिंग करने आया हूँ। ये मुझसे भी ज़्यादा करेंगे, तो चलो अब कार्डियो मेरा हो चुका है। तो गाइस, कब करते हैं बैटल रोप, देन इसके बाद चलते हैं हमने चेस्ट वर्कआउट पे। सो गाइस, अब टाइम है टी शर्ट उतारने का। चलो मिलता हूँ टी शर्ट उतारने वाला। सो गाइस, सबसे पहले एक्सरसाइज जो मैं रखूँगा अपनी रखूँगा इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, बारबल प्रेस भी उसे बोलते हैं। तो मैं स्मिथ मशीन पे लूँगा, तो सबसे पहले मैं बेंच ले जाकर स्मिथ मशीन पे रखता हूँ, देन आपको मिलता हूँ उस मशीन पे। सबसे पहले करते हैं इस वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट। ये इंक्लाइन बेंच प्रेस है, मैं स्मिथ प्रेस पे करता हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है। आप नॉर्मली इस पर भी कर सकते हो, यहाँ पे जो रखी है बेंच प्रेस, नॉर्मली लोग बाकी चीज़ पर करते हैं, बट मुझे ये अच्छी लगती है तो मैं ये करने वाला हूँ क्योंकि इसमें इसकी पोजिशन मिलती नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो मैंने वेट लिया है अराउंड ये 25 kgs वन साइड में, तो टोटल 50 kgs है। चलो करते हैं इसे। चलो गाइस, सो गाइस, ये मैंने पहला सेट लिया है, इसके मैं अभी 3 सेट और लूँगा, 4 सेट मुझे टोटल लेने हैं। तो प्रॉपर चेस्ट ही रहने वाला है आज, तो चलो करते हैं नेक्स्ट सेट। चलते हैं हम लास्ट सेट की तरफ। 2 महीने कर लिए उनका शूट नहीं किया और ये लास्ट सेट है मेरा। मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा वेट बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास अभी 25 है, तो मैं यहाँ पे 30 कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे 60 kgs हो चुका है, देखते हैं कितने रैप निकलेंगे। यहाँ पे 6 रैप निकलवाए हैं, तो ठीक है ये भी। चलो अब चलते हैं फ्लैट की तरफ। तो गाइस, चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ये मेरा अपर चेस्ट के लिए था ये वाला जो पार्ट होता है, अब मिडिल के लिए ट्रेन करूंगा मैं, देन उसके लिए अगेन चलते हैं। यहाँ पे इंक्लाइन हो रखी है, इसे फ्लैट कर लेते हैं पहले, वेट भी थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो हाँ गाइस, मैंने इसके 10 रैप लिए हैं और अगेन मैं इसके 4 सेट लेने वाला हूँ, तो 2 स्किप करता हूँ, आपको मिलता हूँ लास्ट सेट पे। चलते हैं लास्ट सेट पे। 2 महीने कर लिए हैं, अगेन 30 kgs करने वाला हूँ। तो चलो गाइस, देखते हैं अगेन कितने रैप निकलने वाले हैं।
ये चेस्ट प्रॉपर पंप हो चुकी है अब, तो मिडिल एंड अपर हो चुका है। तो गाइस चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये यहाँ पे तो एक सेट है पहली, तो केबल क्रॉस में करूँगा ये अगेन अपर चेस्ट के लिए मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। इसकी पोजीशन थोड़ी नीचे कर लेते हैं। सो गाइस ये था पहला सेट, इसमें मैंने आई थिंक 10 रेप्स लिए हैं, और अब अगेन मैं इसके 4 सेट लूँगा। तो लास्ट सेट में थोड़ा वेट बढ़ा लेंगे, अभी करते हैं 2 सेट मैं खुद कर लेता हूँ, लास्ट सेट पे मिलता हूँ आपको। बढ़ा लेते हैं, लास्ट सेट है, इसमें 4 या 5 रेप भी निकल जाए काफ़ी है। तो गाइस ये मेरी 3rd एक्सरसाइज थी चेस्ट की, इसमें मेरा अपर मिडिल एंड देन ये जो लाइन होती है चेस्ट की इसके लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो चलो गाइस 4th एक्सरसाइज में ये वाली रखने वाला हूँ। सो गाइस इसमें लगाते हैं अराउंड 50 केजीज वेट, यहाँ पर 50 केजीज वेट। सो गाइस ये 4th एक्सरसाइज थी, इसके मैं 3 सेट और लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज पे मिलता हूँ। तो चलो मैं इसके सेट कर लेता हूँ, इतने आपको लास्ट पे मिलता हूँ। गाइस उसके मैंने 4 सेट कर लिए हैं, तो लास्ट में लेता हूँ पुल ओवर के लिए यहाँ पर 20 केजीज का डंबल ले लेंगे। पुल ओवर जो होती है वो ओवरऑल चेस्ट को कवर करती है, मतलब जितना अपलिफ्ट होता है चेस्ट में उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो लास्ट एक्सरसाइज में मोस्टली पुल ओवर ही रखता हूँ। चलो इसे करते हैं। सो गाइस ये मेरी 5th एक्सरसाइज थी और चेस्ट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। और गाइस मैं कहूँगा अगर आपको चेस्ट वर्कआउट फॉलो करना है तो डेफिनेटली ये फॉलो कीजिए, काफ़ी इफेक्टिव है। और जैसे कि मैं अगेन लीनिंग पे हूँ, थोड़ा बहुत तो कटिंग आ चुकी है अगेन बॉडी में, तो एब्स की तैयारी चल रही है, अब थोड़ा एब्स करता हूँ देन घर निकलते हैं। तो आज चेस्ट के वर्कआउट में ये रखूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।